पाकिस्तानी सच्चा प्यार देखेंगे आज इस वीडियो में। हर्ष राजपूत जी की वीडियो, आपको पता है कि ये इनकी वीडियोज होती है स्क्रिप्टेड, मतलब कि इसमें सचिन और सीमा तो नहीं है लेकिन उनके रोल को कोई और अदा कर रहा है, तो मजा आएगा देखने में। प्लीज वीडियो कहीं तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकर न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकर न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, से धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। तो अभी जैसा कि आप न्यूज में देख रहे होंगे जी कि आदमी बिना पासपोर्ट बिना वीजा के उछल के इधर से उधर पहुंच जा रहा है, तो उसी के सिलसिले में हम रिपोर्टिंग करने गाँव में आए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान की है, बीमा हैदर, 6 बच्चों के साथ बिना पासपोर्ट बिना वीजा के लंपू सचिन नाम के एक व्यक्ति से मिलने यहाँ पे आ गई है। और जो भी हमारा मीडिया है जो मेन चीज़ों पे अटेंशन देना चाहिए, जो सेंसिटिव मामला है उसको छोड़ के सारा रंडी रोना यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए ताकि इस मैटर को एक ही बार में बेंचो सॉर्ट आउट कर दे कि लोग बार बार इसको नहीं मुद्दा बनाए। देखिए यहाँ पे लोग हैं, सब ज़्यादा चोर लग रहा है, मीडिया वाला यहाँ आया है, ये पड़ोसी भी दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप पड़ोसी हैं क्या? हाँ, पड़ोसी हैं जी। तो ये बताइए कि पाकिस्तान से औरत लेके आ जा रहे हैं आपके पड़ोसी, तो कैसा लग रहा है आप? अब कहाँ बताएं, ये सब देख के तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। सचिन कहाँ है? सचिन में लप्पू सा तो है। सचिन मुंह में बोला उसके जाते में इतनी बोलना उसे आता नहीं है, खड़ा उसका होता नहीं है, झिंगूर सा लड़का है सचिन। कोई उसके लिए नाला पार ना करे, पाकिस्तान से आएगी मतलब नहीं आना चाहिए। दाल में कछु तो काला है। ये देखिए यहाँ पे हमें खबर मिली दाल में कुछ काला, और साथ ही साथ है कि लंपू सचिन का खड़ा नहीं होता है। एक्सक्लूसिव न्यूज है धाका न्यूज पे। यहाँ देखिए इन लोग सब बाथरूम के बाहरी अति लगाए हैं जी, इनसे पूछते हैं कौची है जी, ये बाथरूम के बाहरी काला खड़ा है, अंदर गई है वो? कौन अंदर गया है? बीमा है जी। तो तुम लोग साला हागने भी नहीं दे रहा है, अंदर गई है तो है? हम लोग अपनी रिपोर्टिंग कर रहा साला, हाथ उत्तो धोने दो, चलो उधर हटो, बढ़िया से साबुन से हाथ धो, ये साला हाथ भी नहीं धोने दे रहा है साला। ये रिपोर्टिंग होता है कि मार के चलो? अरे का ये सब साला कर रहा, तुम कुछ कर रहा है जी? रिपोर्टिंग कर रहा है, यूट्यूब पर पत्रकार है। अच्छा, तो ये रिपोर्टिंग से पैसा उठाता है? पैसा तो उतना नहीं आता। पैसा नहीं आता तो देखो, हम तो एक चीज बता रहे हैं जिससे पैसा आएगा, जिसका नाम है प्रोबो। देखो प्रोबो इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपने यस या नो में ओपिनियन देके जीत सकते हो लाखों के रिवॉर्ड्स। और यहाँ पे देखो जैसा कि एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो थर्ड ओडीआई मैच था उसमें ईशान किशन क्या 50 मारेंगे, तो हमने 50 सेलेक्ट किया था और ईशान किशन ने 50 मारे थे, तो हमें हुआ था लाखों का बेनिफिट, ठीक है। और प्रोबो पर ना ओपिनियन ट्रेडिंग का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप स्टॉक क्रिप्टो है, एंटरटेनमेंट में आप लगा सकते हो, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने प्रोबो पर ओपिनियन देके पैसे कमाए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा सवाल आता है, देखो हम तुमको सवाल यहाँ पे दिखाते हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का T20 सीरीज है, उस पे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीतेगी T20? बिल्कुल आराम जीतेगी, आराम से जीतेगी। तो देखो मैंने इसमें यस सेलेक्ट कर दिया है और यूटिलिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दिया है, और जवाब सही होगा तो आपको मिलेगा रियल कैश, और जो भी पैसे आप जीतोगे उसको अपने गूगल पेटीएम यूपीआई में 24/7 अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हो, और यहाँ मैच के दौरान भी अलग अलग सवालों पर हाँ या ना करके ट्रेड करके इंस्टेंट पैसा कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करो और आपको मिल सकता है ₹25 तक का बोनस, ठीक है। उन लोग कहाँ गया जी? अरे उधर भागे, उधर उन लोग सब उधर गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लाइव आपको दिखाएंगे कि जो सीमा है, बीमा जो है, उनका मैटर है क्या चल रहा है और क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो लाइव आइए, हम आपको दिखाते हैं धाकर न्यूज पर, और एकदम एक्सक्लूसिव खबर है, पाकिस्तानी साड़ी लग रहा है जी, आइए मेरे साथ देखिए। अरे हमारे से पहले ही इंटरव्यू लो बैठ गया है, चल हम आए ना धाकर न्यूज से, अरे यहाँ पर चलो उधर, यहाँ पे देखिए आपको स्वागत है धाकर न्यूज़ में। देखिए लाइव यहाँ पे एक्सक्लूसिव बैठी हुई है बीमा हैदर, और उनके साथ एक बच्चा भी है, उनका 6 बच्चों में से एक बच्चा सचिन है। अच्छा, तुम लंपू सचिन जी? हाँ हम ही हैं। अच्छा, तो पहली बार कहाँ मिले थे आप लोग? हम लोग एक पबजी गेम में मिले थे। अच्छा, पबजी में? तो इंडिया में तो पबजी बैन हो गया ना जी, चालू हो गया। तो हम साला डाउनलोड नहीं किए हैं, अभी कर लेंगे डाउनलोड। तो अच्छा ये बताए इंडिया में आई कैसे आप? सर मैं इंडिया आने के लिए वीज़ा लगाई थी बट कैंसिल हो गया था, फिर मैं दुबई गई, और दुबई में थाईलैंड में इनका वीज़ा रिवाइवल हो गया, फिर ये वहाँ आया, मैं इनके साथ नेपाल गई, नेपाल से सीधे यहाँ आई। अच्छा, मतलब दुबई से थाईलैंड, थाईलैंड से नेपाल, नेपाल से इंडिया। ये तो से मतलब क्या मतलब पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करती हैं? नहीं, मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती? तो बताइए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है दल्लूपुरा गाँव,
वहाँ हमको चार आदमी को ले जाने का पैसा नहीं है और आप 6+1 सात आदमी का टिकट लेके 3-4 देश होते हुए आए। पाकिस्तान का हालत भी इकोनॉमी का भी खास्ता है, पैसा कहाँ से आया? मैं हमेशा पैसा सेविंग करके रखती थी। अच्छा, बचा के रखती थी पैसा? तो ये जो 6 बच्चे हैं आपके जी, तो 6 बच्चों में सबसे छोटा किसका क्या है उम्र? 2 साल है। सबसे छोटा 2 साल का? 2 साल। ठीक है, तो अपने पति जो थे तो कुछ तो देते ही होंगे, पति को छोड़ के क्यों आ गई आप? सर वो हमेशा काम में बिजी रहते थे और इस समय कतर में 4 साल हो गया, घर नहीं आए। कतर में थे 4 साल से घर नहीं आए हैं, और छोटा बच्चा क्या 2 साल का है? वेरी वेरी स्ट्रेंज, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो मतलब तुम साला जासूसी करने तो नहीं आई हो जी? हाँ नहीं सर, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, ना ही कोई जासूस हूँ। गलत जासूसी करने नहीं है, मैं इनके प्यार में आई हूँ। यही तो डाउट है कि इनके प्यार में आई हो। शकल देखिए, मतलब झिंगुर सा व्यक्ति, तो अभी औरत होगी, इसके प्यार में आ गई हो। हम लोगों को बोला साला गली में नहीं आई, अभी पाकिस्तान से इनके लिए आई है। चेहरा देखिए इनका एकदम, हम मतलब यही डाउट है मेनली। तो बताइए कि पाकिस्तान में तो उर्दू बोला जाता है, लेकिन आपकी भाषा एकदम तड़ातड़ हिंदी बोल रही हैं आप। सर पबजी गेम खेलते खेलते और इनसे बात करते करते मेरी, मैं सब कुछ वहाँ का भूल गई हूँ, मैं यहीं रहूँगी नहीं सर। मतलब इनसे बात करते करते आदत हो गया। तो देखिए इंडिया में ऐसा है, इंडिया का कहीं भी कोई देश ले लीजिए, तो ऐसा है कि बिना मतलब वीज़ा पासपोर्ट के कोई आता है तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि वापस भेज दिया जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है सर? बट मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे बाहर ना निकालें, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊँगी। मतलब आपको किसी ने सिखा उखा के नहीं भेजा है कि ऐसा इंडिया जाके बोलना है? सर मुझे ट्रेनिंग कौन देगा? कोई ट्रेनिंग नहीं देगा? नो सर। तो ये मतलब प्यार ही है आपका? यस, मैं प्यार करती हूँ इनसे। ये देखिए कहना है कि इनसे प्यार करती है। और अच्छा एक और बात बताइए, जो 6 बच्चे हैं आपके, बाथरूम से आई? कितना बाथरूम जाती है जी? बार 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 बाथरूम? तुमको साला यहाँ पर कोई नहीं मिला था इंडिया में? नेपाल पाकिस्तान पहुँच गया तू नेपाल के रास्ते? सर हमको बहुत तकलीफ है। होगा नहीं साला, यहाँ एक औरत का पेट पालने में आदमी का फट जाता है, अभी 6 बच्चा वाली औरत के लेके आया है तू? मैंने इतना कह खड़ा है जी इधर, क्या क्या हो तुम, कौन हो? पड़ोसी है जी। उनके पड़ोसी हो? तो ये बताओ कि मतलब लेके आए हैं बगल वाली औरत, तो घर वाला कुछ कहता नहीं है? कहते हैं जी। क्या क्या कहते हैं? कहते हैं पबजी बंद कर दिया है हमारा। अच्छा। खेलने ही नहीं देते, कहते तुम भी ले आओगे कोई। अच्छा मतलब इसलिए तुम भी कोई रीमा तीमा को मतलब इसलिए बैन हो गया पबजी? बिल्कुल। वेरी सैड जो यंगस्टर हैं। अरे बेटी चोर, बार बार कह रहा है कि हम इंटरव्यू यहाँ पे ले रहे हैं ना, साला समझ में नहीं करता, कण ये फाड़ देंगे। देखिए हमारे साथ बीमा जी वापस आ गई है, तो इनसे एक और सवाल है कि इंडिया में जैसा आपने कहा कि अब यहीं रहना चाहती हो, तो क्या क्या सीखा है इंडिया का? सर हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखे हूँ, जैसे बात करना, प्रणाम करना। प्रणाम करके दिखाती हूँ आपको। अरे मुझे कहला रहने, अरे ठीक है रहने दीजिए, पैसा वैसा ना है। अरे चलो आशीर्वाद इनको दे दिया जा रहा है। नाम कोचो तुम्हारा? बिल्ला आजाद है। बिल्ला आजाद है, देखिए नाम है साला। अरे धरो के माइक चो, देखो धरो साला। बिल्ला आजाद अदर है, वो साला औरत नहीं है, आदमी है। अभी देखिए बाल उसका यहाँ पे निकला है, बीमा नहीं है, बिल्ला है। और तुम सर एकदम लंडूर आदमी है, तुमको पता नहीं चला 3 महीना से कि आदमी है कि औरत है? सर वो हमको बताने ही नहीं देता था, और हम तो आपको बोले ही थे कि हम बहुत तकलीफ में हैं। बताने ही नहीं देता था वो? तकलीफ तकलीफ क्या है तुम्हारा क्या है? अरे साला मतलब 3 महीना से वही मार रहा था जी तुम्हारा? सर 3 महीने से यही तकलीफ लेकर घूम रहे। बहुत बहुत दर्द हो रहा होगा इसको। वो आदमी कहता है कि सचिन बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। ला बोलेगा सचिन, देखिए मुंह देखिए इसका, साला 3 महीने से पता नहीं का अंदर ले रहा है, बोल ही निकलेगा इसका बेचारे का। तुम बैठ जाओ, तुम थोड़ा मलहम उलहम लगाना, ठीक हो जाएगा। तो देखिए यही मैटर था इनका, और लोगों से सलट नहीं रहा था। हमने लाइव यहाँ पे सुलझा दिया है, जो औरत नहीं आदमी बन के आया था उसको भी धर बाथरूम से निकालो। आप लाइव देख रहे हैं धाकर न्यूज पर, तो यही हमने आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आपको लाइव दिखाई है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप प्रोवो भी डाउनलोड कर ले। इन्हें उन्हें ओपिनियन देने से क्या फ़ायदा है, ऐप पे दीजिए और कुछ कमाइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए लोग, अरे साला रिपोर्टिंग ला कर रहा, निकालो उसको, निकालो अंदर से। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और सीमा हैदर, और आपको पता है कि सचिन जो है अभी भी उनका मामला पता नहीं क्यों सुलझ नहीं रहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि कोई ना कोई फैसला अभी तक कोर्ट ने क्यों नहीं दिया कि जो सीमा है वो यहाँ पे रहेगी या वो पाकिस्तान वापस जाएगी। और
भाई सीमा हैदर ही बस इंडिया नहीं गई, इंडिया से भी एक लड़की पाकिस्तान आ गई है। अंजू नाम की लड़की है, वो भी पाकिस्तान आई है। बिल्कुल आके उन्होंने शादी कर ली है एक पाकिस्तानी लड़के के साथ। फिर उन्होंने उनका भी बताया जा रहा है उनके भी दो बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कोई साबित तो नहीं हो सका। तो यहाँ पे आके उन्होंने, मुझे तो ये था कि वो विजिट वीजे पे आई हैं, आगे यहीं पे रहेंगी तो फिर बाद में मतलब चली जाएंगी वापस। लेकिन भाई पाकिस्तान के बोल रहे हैं कुछ लोग के वो अभी यहीं पे रहेंगी, वो वापस नहीं जाएंगी। लेकिन भाई इनका मामला जो है वो जो भी मामला है, अगर आपने इंडिया वाले ने उन्हें रखना है रखे, तो बताए नहीं रखना तो फिर उसे वापस भेजे, क्योंकि ये कितनी टाइम हो चुका है कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई है। कोई कह रहा है वो कोई कुछ है, वो खुद कहती है कि मैंने इधर ही रहना है और इनके साथ ही रहना है, लेकिन अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से या ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई उनसे अभी तक। मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो काफी ज्यादा उनको रिलेटेड ये वाली वीडियो, ये जो है ऐसा फन उन्होंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि आपको पता है कि ये वैसे ही वीडियो बनाते हैं अगर कोई मामला हो रहे होते हैं तो उनको एज अ फन बनाते हैं। यूपीएससी का भी एग्जाम है, उसकी भी इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये एज अ फन स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यार आप से पढ़ाई नहीं होती, आप सोए रहते हो इस तरह से। अभी इनका भी सचिन और सीमा वो बोल रहे हैं मुझे बहुत तकलीफ है, मैं मुझसे कुछ बोला नहीं जाता मैं मतलब। लेकिन आपको पता है कि सचिन बहुत ज़्यादा ना एक मीम इंडिया में वायरल हुई हुई है जिसमें बोलते हैं एक औरत बोलती है वो क्या लपूसा लड़का है जो मतलब उसके पीछे सीमा हैदर आई है। ये इस चीज़ पर लोगों को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि सीमा हैदर जो है ना दिखने में खूबसूरत है सचिन के मुकाबले में, तो इस वजह से लोगों को शक है, अपना अपना होता है पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यार देखेंगे आगे क्या होता है, अभी ये मामला अभी भी यहीं पे अटका हुआ है। मुझे तो था कि हो जाएगा मामला हल, लेकिन ये तो एक मंथ से ऊपर बात चली गई है कि अभी तक ये कोई मामला हल नहीं हो रहा है। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ बताएगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।